हाय व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? आई एम श्योर आपने पहले भी बहुत दफ़ा खाया होगा, बनाया होगा, लेकिन आज आप बनाइए मेरे तरीके से चिकन मंचूरियन। एक नज़र डाल लेते हैं इंग्रेडिएंट्स पे। ये देखिए व्यूअर्स, आपको कुछ सॉसेस नज़र आ रही हैं। एक एग है, इसके बाद 200 ग्राम चिकन है, कुछ स्पाइसेस हैं और ये फ्रेश वेजिटेबल्स हैं। सबसे पहले हम चिकन को मैरिनेट कर लेते हैं। इसके लिए हमें चाहिए होगा एक एग। क्योंकि मैं सिर्फ एक सर्विंग बना रही हूँ तो इसलिए इसमें चिकन भी कम लिया है, फिर स्पाइसेस भी थोड़े ही जाएंगे। इसमें 1/8 teaspoon जो है सॉल्ट चला गया, 1/8 teaspoon ब्लैक पेपर, इसके बाद 1/8 teaspoon ही गार्लिक पाउडर चला जाएगा। इसके बाद आप कॉर्नफ्लावर, कॉर्न स्टार्च या अरारोट पाउडर, जो भी आप कहें, आप इसमें डाल दीजिए। 2 से 3 tablespoon इसमें चले जाएंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। इसके बाद इस मैरिनेटेड चिकन को फ्राई करने के लिए ऑयल ले लें। इसको मीडियम हीट पे इसको गर्म कीजिए और फिर इस चिकन को फ्राई कर लीजिए। से 12 मिनट में ये चिकन मीडियम हीट पे बिल्कुल रेडी हो जाएगा। ये देखें कितना अच्छा सा नाइस गोल्डन कलर आ गया है। तो चलिए जी, अब चिकन को ऑयल में से निकाल लेते हैं और चलते हैं बाकी प्रोसेस की तरफ। सबसे पहले हम अपनी वेजिटेबल्स काट लेते हैं। मेरे पास ये सब कलर्स के बेल पेपर्स रखी हुई थी, लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो आप हाली ग्रीन से भी काम चला सकते हैं। ये इन चारों पेपर्स का आपने 1/4 part ले लेना है और उसको क्यूब्स में काट लेना है। ये सारे बेल पेपर्स काट के एक ही बोल में रखते जाएं। इसके बाद देखिए जी, ये एक स्मॉल अनियन ले लें, अगर स्मॉल नहीं है तो फिर आप हाफ ले लें। इसको भी क्यूब्स में काट के बेल पेपर्स के साथ ही बोल में डाल दें। तो चलिए जी, हमारा सब्जियों का बोल भी रेडी हो गया। अब चलते हैं अगले प्रोसेस की तरफ। ये 1 teaspoon ऑलिव ऑयल है और 1 teaspoon सेसमी ऑयल है। अगर आपके पास ये ऑयल नहीं है तो फिर आप अपना कोई भी रेगुलर ऑयल, जो भी आप घर में यूज़ करते हैं, उसके साथ बनाएं। ऑयल को थोड़ा सा हीट अप कीजिए। ये देखिए जी, आपको ग्रीन चिलीज़ नज़र आ रही होंगी, तो अपने देसी टच के लिए मैंने थोड़ी सी 2-3 ग्रीन चिलीज़ काट के डालने लगी हूँ। ऑप्शनल है, अगर वरना आप डायरेक्ट गार्लिक से भी स्टार्ट कर सकते हैं। इसके बाद आप गार्लिक ले लें। ये सिर्फ गार्लिक के 2 ही क्लोव्स हैं, इनको फाइन चॉप करके आप डाल दीजिए। गार्लिक को आपने ब्राउन बिल्कुल भी नहीं करना है, जस्ट 30 सेकंड्स के बाद आपने इसमें अपनी वेजिटेबल्स डाल देनी है और इनको हाई हीट पे पकाना है। हाई हीट पे इसलिए पकाया जाता है कि ताकि सब्जियां पानी ना छोड़ें और क्रिस्पी और क्रंची रहें। इनको सिर्फ 3 से 4 मिनट हाई हीट पे पकाएंगे, इसके बाद हम अपनी सॉसेस डालना शुरू कर देंगे। इसके बाद हम इसमें सॉल्ट डाल देंगे, 1/4 teaspoon। अगर आप थोड़ा डालना चाहें तो थोड़ा डाल दें, क्योंकि इसमें सोया सॉस भी जाएगा तो उसमें भी काफ़ी सॉल्ट होता है।
चलिए जी, अब हम इसमें सॉसेस डाल देते हैं। तो सबसे पहले ये मैं सॉस डाल रही हूँ, ये है जी स्टर फ्राई सॉस है, ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास नहीं है तो आप स्किप कर दें। टीस्पून विनेगर है यानी सिरका, इसके बाद 1 टेबलस्पून सोया सॉस है, 2 से 3 टेबलस्पून केचप ले लें, ये 1 टेबलस्पून हॉइजन सॉस है, ये भी ऑप्शनल है, अगर है तो डाल दें वरना रहने दें। इसके बाद इसमें स्लरी डाल देंगे, जो स्लरी है ये कॉर्न स्टार्च और पानी का मिक्सचर है, आप 1 टेबलस्पून कॉर्न स्टार्च या अरारोट पाउडर और 2 टेबलस्पून पानी से बना लें। मिक्स करने के बाद इसमें फ्राइड चिकन डाल देंगे और इसके बाद बस इसको 1 मिनट के लिए पकाइए, अच्छे तरीके से मिक्स कीजिए, तो ये हमारा चिकन मंचूरियन हो जाएगा तैयार। गार्निशिंग के लिए थोड़े से ग्रीन अनियंस भी काट लेते हैं। अब हम अपने सिजलिंग प्लेटर को भी थोड़ा सा गर्म कर लेते हैं, 5 to 10 मिनट्स काफ़ी होंगे, और निकालते हैं चिकन मंचूरियन को अपनी सर्विंग डिश में। ग्रीन अनियंस के साथ थोड़ी सी गार्निशिंग करते हैं इसकी। इसके बाद एंड में थोड़े से सेसमी सीड या सफ़ेद तिल डाल देते हैं। आप इसको किसी भी चीज़ के साथ सर्व कर सकते हैं, गार्लिक ब्रेड के साथ करें या नूडल्स के साथ करें, मैं इसको स्टीम्ड राइस के साथ कर रही हूँ। तो जी व्यूअर्स, ये थी हमारी आज की डिश चिकन मंचूरियन। आई होप कि आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी, मुझे कमेंट्स में आप ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।